पक्का एलियल क्या है ना, पक्का गोबर जैसा नहीं है। मेरे को पहले दिखा, नहीं देखना है। दिखा के लिखो, क्या लिख रहे हो? वो तुम्हारी क्या फेस बना रहा है ना बाबू, तेरा फेस बना रहा है बेटा। फेस बना रहा है और मुंह बना बना के दिखा रही है। ऐसे ऐसे करते कि मेरे से तो ऐसे करता तो अच्छा लगता। तो गाइड यहाँ पे देखिए फेस बना रहा भी जिगर एंजल के कह रहा है मैं बनाता हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, जो फ्रेश वगैरह मैं हो चुकी हूँ, चाय भी मैंने पी ली है। और अभी फिर भी हम लोग हैं जो मच्छरदानी के अंदर, क्योंकि गांव में ना गांव में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो मच्छरदानी के अंदर ही हैं हम लोग। और ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ हमारे आगे ना थोड़ा खड्डा सा, हाँ रुको, पानी है खड्डा टाइप में, तो उस वजह से ना ये ठंड बहुत होती है लगती है हमारे आगे जो खड्डा, इसलिए हमारे यहाँ गढ़े बोलते हैं उसको, और इसीलिए ना ठंड टाइप में लगती है, तभी निकले नहीं। और बाबू है जो वो भाभी के पास है, वो उनको बहुत ज़्यादा शुरू से ही जब पैदा हुआ तभी से उनको पास रहता है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पता नहीं कैसे पहचानता है उसका क्या रिलेशन है। हो सकता है कि मैं अपनी भाभी को करती थी, ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं, एक मतलब हमें कोई अच्छा लगता है तो भाभी को मैं लाइक करती थी, शायद इसीलिए वो भी करता है। हमेशा से मैं जब पैदा हुआ तभी से उनके पास रहने लगा है, तो मेरे पास नहीं भी रहेगा ना, रोता है तो मेरी भाभी से मना लेती है, उनके पास मान जाता है। तो ये अगर ये मच्छरदान देख रहे हैं ना, ये भी जगह जगह से ना फट रही, कहीं कहीं से भाभी ने सील दिया, कहीं कहीं से छीन के जाए तो पुरानी हो गई, क्या नेट इसका खराब हो गया, तो वही नहीं बेटा शांत रहो, तो रुक जाओ दो मिनट। तो मैं हमने बोला है कि अब की बार भैया जाएंगे ना, जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ से लेके आएंगे। मेरी बुआ के यहाँ आपको पता ही मार्केट है, तो भैया बोले थे कि मुझे याद दिलाना मैं लेके आऊंगा, तो भाई वो आएंगे तो लेके आएंगे। तो जब तक ओहो बेबात की छींक रही है एंजल, तो तब तक तो इसी मच्छरदानी से काम चलाना ही पड़ेगा, काफी फट गई है। क्या हुआ? मैंने कहा सुबह सुबह जो ब्लॉग है आज मायके का, ये भी मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ। लिखने जा रही हूँ। क्या लिखने जा रही हो? मेरा ही पेंसिल है। आपका पेंसिल, तो क्या लिखने जा रही हो? और सुबह सुबह जिगर ने सारे खिलौने डॉल्फी के लिए, यानी मेरे बेटे यश के लिए ना फैला दिया है। और बाबू को कहाँ खेलता है, हर चीज में ऐसे है तो मुंह में डालता है वो, तो शायद उसको लग जाए चोट, इसी वजह से उसे देते रहे। लेकिन ये सारे खिलौने जिगर ले आया था, मुझे पूछा था कि दीदी, मुझे दीदी बोलता है, बुआ तो बोलते नहीं, दोनों ही मुझे, एक एंजल है चाहे जिगर, मुझे दीदी ही बोलते हैं। तो क्या दीदी ये ठीक है, ये ठीक है? मैं बोली नहीं रहने दो, ये लग जाएगा उसको चोट तो भाई। और अब अपने मामा और मामी के पास है, उधर खेल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। और जब रात में आया था तो बहुत ज़्यादा रो रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा, पता नहीं उसको क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उस किसी के पास नहीं माना, मेरी बुआ के पास भी नहीं माना, मेरी कजिन के पास भी नहीं मान रहा था, मेरी भाभी भी चुप कर थी, मैं भी। लास्ट में उसको हम लोगों ने ना मोबाइल दिखाया गाना, तब वो देख के चुप हुआ, फिर मैंने उसे जो है अपना मिल्क वगैरह फीड करवाया, उसके बाद जाके वो शांत होकर सोया है, नहीं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रो बहुत ज्यादा था, मैंने कहा पता नहीं क्या गया। और मेरी बुआ ने तो जो थोड़ा बहुत मिर्च वगैरह से मंगाई करके नजर उतारी जाके वो सब करके, और फिर नजर उतारी थी उसके, सब लोग कह रहे थे इसको हुआ क्या है, ये तो रोता ही नहीं है। तो गाइज बने रहे मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी ठंड है, अभी तो मैं बैठी हुई हूँ, जब धूप निकल जाएगी थोड़ी तब मैं बाहर जाऊँगी। हमारे बैठके में तो धूप आ चुकी है, बस अभी हमारा जो ये रूम है, घर है, यहाँ भी आंगन में धूप नहीं आई है, अब धूप आएगी तब हम निकलेंगे। तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में, बाय बाय। फ्रूट खत्म हो गए आते आते, अरे क्या बात, सारे बांट के खा लिए है, अभी गए तो भरी हुई थी प्लेट, और ये देखो एक बस एक रह गई। ब्रश करके खा, ब्रश ले रखा हाथ में, ऐसे उठा लिया, भागा थोड़ी जा रहा है सेब भाई, सेब भागा थोड़ी जा रहा है, सेब भागा जा रहा है, हाँ ब्रश भागा जा रहा है बिना ब्रश के। ओके देखो तो अंजल टूट पड़ो सेब पे, ये बकरी चुन्नु मुन्नु क्या खाना तो बन गया, अचार के लिए ना बुआ, यही गोभी, अचार पर चाहे वो तो, हाँ कभी भी बनाना हो तो बन जाएगा ना, सब्जी हाँ क्या चाहे
रखे ना और एक हल टल ना ने कुछ और बोले अच्छा एक डब्बा देख दे अचार ना हां हमारा हाथों का ना छोड़ेला कौन है मेहनत तोरा और देना करियो देखो बेहोश 12 बजे तो